इस वक्त आप मौजूद हैं, 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या तैयारियां इस बार की गई हैं? और सिरसा बांगड़ बेल्ट का हिस्सा, यहां पर चुनावी समीकरण 2024 के चक्रव्यूह को देखते हुए कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, हम मौजूद हैं सिरसा के अंदर और सिरसा का ये बाल भवन जो है वो मतदान केंद्र है और ये मतदान केंद्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस मतदान केंद्र पर चौटाला परिवार, जो दुष्यंत चौटाला परिवार है, अजय चौटाला परिवार है, वो पूरा यही वोट करता है। उसके साथ ही रणजीत चौटाला जो कि अभी तक कैबिनेट मंत्री थे, वो भी यही वोटिंग करते हैं। तो 7 बजे के बाद, 7 बजे रणजीत चौटाला यहाँ पहुँचेंगे, 7:30 बजे दुष्यंत चौटाला पूरे फैमिली के साथ यहाँ वोट करने के लिए पहुँचेंगे। आपको जो समीकरण की जो आप बात कर रहे हैं, उन समीकरण के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सिरसा जो लोकसभा है, कहीं ना कहीं सिरसा का जो क्षेत्र है, सिरसा जिला जो कहेंगे, तो सिरसा जिला कहीं ना कहीं अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये INLD का गढ़ रहा है, INLD और JJP। अब क्योंकि दोनों पार्टियां अलग अलग हो गई हैं तो वो गढ़ है और INLD का गढ़ है, इसलिए अब की बार इनेलो जो है वो यहाँ से काफ़ी सीटें जीतने की उम्मीद रखती है। एलनाबाद से खुद अभय सिंह चौटाला MLA हैं और एक बार फिर से मैदान के अंदर हैं तो वो भी उम्मीद जताए हुए हैं कि एक बार फिर से जनता उन्हें मौका देगी। रानिया की अगर बात करें तो रानिया से उनके बेटे जो हैं अर्जुन चौटाला, वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने उन्हीं के कहीं ना कहीं कहेंगे कि दादा जो हैं वो रणजीत चौटाला, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो आमने सामने का चुनाव है। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से युवा पत्रकार हैं सर्व मित्र, वो वहां से टिकट मिला उनको, तो वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो रानिया में भी जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। और वहीं अगर बात करें तो रणजीत चौटाला जो है 2019 में इंडिपेंडेंट जीते थे, BJP के साथ मिलकर के सरकार में मंत्री रहे और जननायक जनता पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में मिलकर के रही, लेकिन अब जब चुनाव हो रहा है तो रणजीत चौटाला और जननायक जनता पार्टी, इन दोनों ने आपस में कहीं ना कहीं समझौता कर लिया है और दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। रानिया सीट पर जननायक जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, वो दादा की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, जबकि दिग्विजय चौटाला खुद जो है वो डब्वाली से चुनाव लड़ रहे हैं और डब्वाली सीट के ऊपर रानिया से जो चुनाव लड़ रहे हैं रणजीत चौटाला, उनका जो वोट बैंक है वो वहां दिग्विजय चौटाला की मदद करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक ये गठबंधन हुआ है, साथ ही अभय चौटाला जो है, अभय चौटाला के साथ हरियाणा लोकहित पार्टी, गोपाल कांडा की जो पार्टी है, उसका गठबंधन हो चुका है। तो सिरसा सीट पर गोपाल कांडा चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा लोकहित पार्टी से, और उनके सामने सीधी टक्कर है गोकुल सेतिया जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां भी बड़ा रोचक चुनाव होने वाला है क्योंकि पिछली बार की अगर 2019 की बात करें तो मात्र 600 वोटों से और गोकुल सेतिया की हार हुई थी, गोपाल कांडा जीते थे। तो लेकिन उस समय इंडियन नेशनल लोकदल का जो साथ मिला हुआ था वो गोकुल सेतिया को मिला हुआ था, लेकिन अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल का साथ गोपाल कांडा को मिला हुआ है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जो उम्मीदवार था यहाँ से, रोहतास जांगड़ा जिनको उम्मीदवार बनाया था, उनका पर्चा जो है वो विड्रा करवा लिया था और वो कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए नजर आए थे गोपाल कांडा को, लेकिन इसमें भी असमंजस की स्थिति दिखी कि BJP ने उनको समर्थन दिया और लेकिन गोपाल कांडा ने कहा कि मैंने कोई भाजपा से समर्थन नहीं लिया है, गोविंद कांडा जरूर भाजपा के अंदर हैं, तो उनकी कोठी के ऊपर झंडा लगा हुआ भी दिखा, तो उन्होंने कहा कि कोठी पे झंडा इसलिए लगा है कि उनके भाई जो गोविंद कांडा है वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो कहीं ना कहीं एक उलझा हुआ चुनाव कह सकते हैं कि सिरसा के अंदर है, लेकिन मजबूत स्थिति के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल अब की बार दिख रही है।